अगला तरफ से आए और हमारे सभी स्टाफ आए हैं, और आने का रीजन ये है कि अभी जैसे कि सभी लोग लगभग मोबाइल चलाते ही होंगे, चलाते हैं ना, मतलब स्वयं भले नहीं रखे होंगे, कुछ लोग रखे होंगे, बाकी लोग घर वालों का मोबाइल वो चलाते होंगे। तो अभी उसके जरिए हो ये रहा है कि काफी ज्यादा जो है अपराध बढ़ चुका है, मतलब जो अधिकतर अपराध की जो शुरुआत हो रही है मोबाइल से ही हो रही है, और इस मोबाइल में ही मेन अपराध ये है कि साइबर फ्रॉड। जैसे साइबर फ्रॉड काफी लोग नहीं जानते, ऑनलाइन धोखाधड़ी, जैसे कई लोग इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती यारी करते, फिर उसके बाद क्या उन लोगों को कोई ना कोई माध्यम से धोखा मिल ही जाता है, चाहे पैसे का हो या फिर और कोई बचने के तरीके से मुहैया करवाते हैं इस कार्यक्रम पर भेजते हैं। तो जैसे कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि साइबर फ्रॉड क्या है, तो इनमें जैसे मुख्य क्या क्या चीज़ों से आप लोग सावधानी रहेंगे और मुख्य क्या अपराध है उनसे आप लोगों को बचना है। जैसे कि बीच बीच में चलता है कि खास करके जो इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें जैसे अनजान लोग हैं उनसे आप लोग दोस्ती करने से बिल्कुल बचिए, और जैसे कि वीडियो कॉल अगर अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको आप लोग कभी भी मतलब अटेंड नहीं करना है, और अटेंड करने के बाद ये हो रहा था कि उसमें एक अश्लील वीडियो कॉल शुरू हो जा रहा था जिसका रिकॉर्डिंग सामने वाला कर लेते थे, और उसके बाद फिर उस वीडियो को आपके फैमिली में जैसे फेसबुक में खासकर होता था कि आपके फैमिली में जितने भी आपके फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड हैं उन सभी लोगों के पास भेजने का धमकी भी आपको दिया जाता था, और बदले में आपको अगर ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप बदले में उनको पैसे देंगे। और कई लोग क्या है बस कई लोगों के अधिकतर लोग पैसे जल के डर से पैसे दे भी देते थे, और जिसके बाद उन लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाता था, और आपका बच्चा जो है रेप केस में फंस चुका है, अगर आप उनको बचाना है तो आप पैसा दीजिए तब आपका बच्चा बचेगा। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच रायपुर से बोल रहा हूँ। इस प्रकार की चीज़ें होती थी, और खास करके जो फेसबुक इंस्टाग्राम होता था उसमें फेक प्रोफाइल बनाया जाता था, और अधिकतर फेक प्रोफाइल में पुलिस वालों की पुलिस अधिकारियों की फ़ोटो इस्तेमाल की जाती थी ताकि क्या है सामने वाला यकीन कर ले। और जैसे कई लोग ओएलएक्स वगैरह से सामान मंगाते हैं, सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें क्या है आर्मी वालों की पुलिस वालों की जो आईडी कार्ड होती थी उनका जो पैंटिंग कार्ड वगैरह होता था आधार कार्ड होता था उन चीज़ों को भेजा जाता था, मैं ये हूँ आप मेरे से ही सामान खरीद रहे करके, तो आदमी क्या है यकीन कर लेता था। अभी हमारे पास कई एग्जाम्पल आ चुके हैं, जैसे गांव है मेरा तरफ का गांव है, वहाँ की सरपंच है उनके साथ पंचायत रिलेटेड टेंडर को लेकर लगभग उनके साथ 17,000 का फ्रॉड किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे मोबाइल चलाते हैं वही लोग ज़्यादा फंसते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग एक सप्ताह पहले की बात है, एक महिला ही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उसके साथ लगभग 2,89,000 का फ्रॉड हो चुका है। और एक टीचर ही है, टीचर का नाम शायद कई लोग नहीं जानेंगे, वो टीचर है वहाँ के जो प्रिंसिपल सर है, ये केवन टोला के प्रिंसिपल सर है, उनके पास भी कॉल आया था, तो उन्होंने को ये बताया कि मेरा जो बैंक का डिटेल अगर वही सब बनाया है अकाउंट खुलवाया था तो उससे रिलेटेड मेरे पास कॉल आया था, और वो मेरे पास जितना डिटेल मांग रहे थे बैंक पासबुक अकाउंट नंबर जो भी मांग रहे थे मैं सामने वाले को देने वाला था, लेकिन वो क्या जब स्कूल में तब कॉल आया था तो मेरे पास वो वर्तमान में वो डिटेल्स नहीं थी जिसके मैं दे नहीं पाया। अगर शायद वो दे पाते तो वो भी प्रिंसिपल थे काफ़ी अच्छे अकाउंट रहता उनके अकाउंट में, तो पूरा का पूरा खाली हो जाता। जब वो घर गए फिर सामने वाला कॉल किया तो उनके जो मेन उनका जो मकसद है शायद सर भाग लिए थे इसलिए नहीं। उसके बाद हम लोग गए आर्थन हार स्कूल गए, वहाँ के प्रिंसिपल सर हमें मुझसे शेयर किए कि वो उनको सर वो अपने जो जमीन वगैरह रहा होगा वहाँ जो टावर आता है नेटवर्क वाला जो टावर आता है जियो था उस टावर से रिलेटेड उन्होंने कुछ किया होगा, तो उनके पास कॉल आया था कि आपका जो आपने जो जमीन दिया है वो सेंक्शन हो चुका है आपको 10,000 लगेगा करके, तो उन्होंने 10,000 दे दिया। फिर उसके बाद शायद एक दो महीना बाद फिर कॉल आया कि सर आपका जो टेंडर है वो पास हो चुका है, अब आपके यहाँ जो सामान आ रहा है गाड़ियाँ निकल चुकी है जो भी इक्विपमेंट है वो पहुँचने वाला है आप 35,000 दीजिएगा। फिर सर ने बोला कि नहीं मैं 35,000 दे दूँगा जब सामान आ जाएगा तब ले लीजिएगा करके, तो फिर इन तरीकों से उन्होंने बाद में समझ गए कि ये भी फ्रॉड है करके। तो आप लोगों को खुद पहचानना है,
आप लोग उनके जो बात ऐसे से आप लोगों को कन्वेंस करेंगे अपने बातों में कि आप पूरा विश्वास कर देंगे। आप लोगों को जैसे पहले होता था कि आपका जो नंबर है 10 तक की नंबर है चुना गया ऐसा करके कॉल आता था, आपके नंबर में OTP आया है, आप इस OTP को बता दीजिए फिर आपको 10 लाख मिलेंगे घर के। ये स्टार्टिंग में हुआ था साइबर फ्रॉड, लेकिन अब क्या है उन लोगों की मेंटेलिटी इतनी एडवांस हो चुकी है, इंडिया में इतना एडवांस हो चुका है कि आपको नए नए तरीके से बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा लेने का कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि कई लोग सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर होते हैं, जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनियों में होते हैं, वो रिटायर होते हैं, वो प्राइवेट क्या करते हैं, अगर आपको बोल रहे हैं तो उनके बातों को आप लोग बिल्कुल यकीन ना दीजिए। आप लोग जितना जल्दी हो सके थाना आ सकते हैं, गोबराटोला थाना या फिर साइबर सेल जा सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि जैसे कभी भी बीमा करवाना है, लाइसेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस कोई भी पॉलिसी वगैरह ले रहे हैं, तो सावधानीपूर्वक लीजिए। और जो भी आप जिस भी व्यक्ति के तरफ से मतलब वो सब चीज़ें करवा रहे हैं उनके माध्यम से करवाएं, सिर्फ आप लोग उन्हीं की बातों में विश्वास कीजिए। जैसे फेसबुक या फिर खास करके व्हाट्सएप में एक दो एप्लीकेट फाइल करके आता था, एक एप्लीकेट फाइल करके आता है, फिर जैसे कोई भी बोलते ना जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहता है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो ने एक महीने का रिचार्ज फ्री कर दिया, ऐसा करके कभी कभी कोई प्रकार का आया होगा, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। और खास करके होता है ना कि देवी देवताओं की फोटो फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर आपको आपकी माँ की दशा में आपने आप इस फोटो को शेयर नहीं किया तो आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब अराजकता फैलाने वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों में कभी भी विश्वास न करें और खास करके अपना स्वविवेक से काम लें। और जैसे खास करके जो हमारे दर्श बैठी हुई हैं उनके लिए ये है कि जैसे इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया यूज करते हैं आप लोग, तो कभी भी अनजान व्यक्तियों से दोस्ती ना करें, और कहीं भी आ जा रहे हैं तो सिर्फ अपने परिचित के व्यक्तियों को के साथ ही आने जाने को प्रिफेयर करें। और इसके बाद भी बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे कि खास करके अनजान लिंक जैसे व्हाट्सएप में आ गया, अनजान लिंक को कभी भी कुछ भी मतलब टच नहीं करना, उसको ओपन नहीं करना। डाउनलोड करें, बदले में आपको 50 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। और खास करके